सुख शांति, सुख शांति। परिवार कुछ अधूरा लग रहा है रमेशनाथ। सुंदरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सुंदरा, सुख शांति बेटा, सुख शांति। बहुत भाग्यशाली हो रमेशनाथ, जो ऐसी सुंदर और सुशील बहू मिली है। इसके नेक कदम पड़ते ही तुम्हारे परिवार में खुशियों की बौछार आ गई है। सुंदरा बेटा, तुम भी रमेशनाथ और रवि के साथ हमारे आश्रम आया जाया करो, मन को शांति मिलेगी। और रवि, घर की लक्ष्मी पर क्रोध विनाश का पहला चरण है, अपने मन पर संयम रखो, चित्त को हमेशा शांत रखो। चलिए अब आप सब लोग ध्यान लगाएं, हम प्रवचन शुरू करते हैं। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो मिला यहीं से मिला। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। एक चोले को छोड़ दूजे में चली जाती है, जिसको हम मरण कहते हैं। आत्मा की आवाज सुनो, सच कहेगी, क्योंकि इसमें है परमात्मा का निवास। हर व्यक्ति में आत्मा अमर होती है। जो व्यक्ति नेक होता है, उसकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति।